असं आहे की जी घोषणा तेव्हा आम्ही केली होती त्यानुसार राज्यातल्या सगळ्या टोलवर जे फोर व्हीलर्स आहेत किंवा छोट्या गाड्या आहेत त्यांना आम्ही मुक्ती दिलेली आहे. केवळ कमर्शियल मोठ्या व्हेकलवरच टोल महाराष्ट्रातल्या टोलवर आपण त्या ठिकाणी घेतो आणि त्याचे पैसे राज्य सरकारच्या नमस्कार, मैं हूँ अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी. मनसे नेता अविनाश यादव थाने में चार दिन से उपोषण पे बैठे थे टोल का लेकर. उसका विरोध कर रहे थे कि टोल नाके पे जो फोर व्हीलर वाहन जाते हैं उनसे पैसा ना लिया जाए. उसके बाद मनसे के अध्यक्ष राज साहब ठाकरे अविनाश यादव से मुलाकात की और जो टोल का विषय है हम उसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पास लेके जाएंगे, उसे बंद कराएंगे. जिसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ जहां पे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पत्रकारों से बात कर रहे हैं कि चार चाकी और थ्री चाकी को टोल नहीं लिया जाएगा, जो हैवी व्हीकल्स हैं उनसे ही केवल टोल लिया जाएगा. जिसके बाद मनसे नेता संदीप राणे अपने कार्यकर्ता पदाधिकारियों के साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह का एक बड़ा सा बैनर मारा है और देवेंद्र फडणवीस जी का मनपूर्वक उन्होंने आभार प्रकट किया है कि जो मीराबंदर जो शहरवासी जो टोल का जो एक्स्ट्रा बोझ लेके अपने सर पे चल रहे थे कहीं ना कहीं उन्हें ये मुक्ति मिली है. आइए बात करते हैं मनसे नेता संदीप राणे से. सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस साहब हमारे जो उप मुख्यमंत्री उनका मैं आभार मानता हूँ कि उन्होंने कल स्टेटमेंट दिया है और कल ही हमारे अविनाश यादव साहब चार दिन से उपोषण में बैठे थे और राज साहब के माध्यम से उन्होंने उपोषण छोड़ने का निर्णय लिया. और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ गांधी जी जयंती थी इनके लिए वो सप्ताह हम लोगों ने वो गांधी जी जयंती के हिसाब से हम लोगों ने गांधीगिरी के माध्यम से हमने वो पेश करने का कोशिश की. मनसे का तो स्टाइल नहीं है, 101% स्टाइल नहीं है, लेकिन गांधी जी के माध्यम से जो जयंती के है जो जयंती था उसके हिसाब से हम लोगों ने वो सप्ताह रखा था और हमने देखा कि गांधी जी जयंती गांधी के माध्यम से जी के हिसाब से माध्यम से कुछ न्याय मिलने वाला नहीं है. अभी इनको भाषा जो लगेगी वो महाराष्ट्र शर्मा सैनी की जो भाषा है एक्चुअल भाषा वही बताना पड़ेगा. आप बता देंगे कोई अगर पार्टी ऐसे ही बोलते रहेंगे मन से तोड़फोड़ वाला पार्टी है और कोई बोलते रहेंगे सोई हुई पार्टी है. आप विचार करो महाराष्ट्र में कौन सा पार्टी टोल के विरोध में आंदोलन किया है. सन्मान ने हमारे अविनाश यादव साहब ने आंदोलन किया है और टोल के बारे में बात करने के लिए खाली महाराष्ट्र में से नहीं है. वो आंदोलन चालू होने के वक्त ही देवेंद्र फडणवीस साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर जो व्हीकल है उनको टैक्स हम लोग नहीं लेते, नहीं लिया जाएगा. तो उस माध्यम से हमने इनका आभार करने के लिए हमने एक बैनर लगाया यहाँ पे. आप देखते रहेंगे बैनर हमने लगाया है उसका आभार मानने के लिए. तो मुझे लगता है इतने बड़ी बड़ी स्टेटमेंट बहुत मतलब दिल पे पत्थर रख के उन्होंने दिया रहेगा ऐसा मुझे लग रहा है और मुझे लगता है इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द निकाले महाराष्ट्र गवर्नमेंट, यही हमारी इच्छा है. लेकिन पैसे तो अभी भी लिए जा रहे हैं तो मनसे क्या करेगी अगर लिए गए तो भी? अगर लेते रहेंगे तो गलत है ना. अगर फडणवीस साहब जो उप मुख्यमंत्री साहब इतने बड़े स्टेटमेंट कर रहे हैं तो किधर ना किधर जीआर पे आना चाहिए. तो मुझे लगता है जल्द से जल्द ये करेंगे और देवेंद्र फडणवीस साहब इनिशिएटिव लेंगे. तो नहीं हुआ तो महाराष्ट्र निर्माण सेने का स्टैंड पक्का है. मुंबई को राह देने का काम अगर किसने किया रहेगा तो महाराष्ट्र निर्माण सेने ने किया है. टोल माफ़ी अगर राज साहब ने पर दो दिन के बाद में सीएम के पास मीटिंग लेने का ऐलान किया है तो मुझे लगता है जब राज साहब बैठेंगे सीएम के साथ में तो मुझे लगता है 101% नया निकलेगा उसके अंदर. और महाराष्ट्र के जो भी जितने पीड़ित लोग हैं, मैं पीड़ित बोलते हैं उसको, टोल भर के जितने पीड़ित उनको 101% न्याय मिलेगा आपके माध्यम से. न्याय नहीं मिला तो मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ. न्याय मिला तो हमारा जो स्टाइल है मनसे का वो 101% स्टाइल हम लोग तो आजमाएंगे ना, सवाल ही नहीं आता. जनता का हित के लिए कुछ भी आज भी देखो आज सब टोलना के हम लोग आदमी लोग खड़े थे ना, कौन आया पार्टी, कोई आया क्या? हमारे मन से नहीं थे. सन्मान्य ने हमारे अविनाश यादव साहब ने टोल रुका के सबको बोला ना आप निकलो करके. मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ टोल नाका धारक को आप महाराष्ट्र मन सेने का स्टिकर लगाओ और आप टोल नाका पास करो, आपको कौन अड़ाता है हम लोग भी महाराष्ट्र में सेना देखेंगे. जैसे कि आपने देखा कि मनसे नेता संदीप राणे ने जिस तरह से कहा है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से बयान दिया है कि चार चाकी और थ्री चाकी को कहीं भी टोल भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो हैवी व्हीकल्स हैं उन्हें टोल दिया जाएगा. और अगर उनके इस बयान के बाद भी
अगर टोल नाका पे पैसा वसूली किया गया तो मनसे उन्हें अपने स्टाइल में जवाब देगी। यहीं पर नेहरू के संदीप राणे उन्होंने ये भी कहा है कि जितने भी फोर व्हीलर हैं वो मनसे का स्टिकर लगा के जाए, अगर आपसे टोल लिया जाता है तो आप हमारे पास आइए और फिर हम दिखाते हैं कि मनसे उन्हें किस भाषा में उन्हें जवाब देगी और उन्हें समझाएगी। अब तो ये आने वाला समय बताएगा क्या ये टोल का ये जो झोल है यानी कि जो टोल पे पैसा लिया जा रहा है ये रुकता है या नहीं रुकता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बॉर्डर इंडिया के लिए और दूसरा की रिपोर्ट।